स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। कांग्रेस पार्टी जब भी संकट में रही है तो उसे दक्षिण भारत ने बचाया। कांग्रेस फिर ऐतिहासिक संकट के दौर में है तो दक्षिण भारत के क्षत्रप उसके बचाव में उतरे, पर इस बार तस्वीर अलग है। इस बार यह नहीं कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के क्षत्रप कांग्रेस को बचाएंगे या डुबो देंगे। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ने जहां भी प्रादेशिक क्षत्रपों का सहयोग लेकर राजनीति की, वहां उसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी से मुलाकात की और भाजपा को रोकने के, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ जैसी बड़ी बड़ी बातें कही, पर असल में उनको खुद को बचाना है YSR कांग्रेस और भाजपा से। ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ें और कांग्रेस अकेले लड़े तो TDP कमजोर होगी। सो उसने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने का दाव चला। राज्य की 25 लोकसभा में से 16 सीटें उसके पास है, सो वे कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ सकते हैं। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस TDP तेलंगाना जनसेना बसपा लेफ्ट आदि का तालमेल होता है तो कांग्रेस के खाते में बहुत कम सीटें आएंगी। तमिलनाडु में DMK ने कांग्रेस को 5 सीटों पर समेट दिया और कर्नाटक में भी कांग्रेस को 28 में से 8 या 10 सीटें JDS के लिए छोड़नी होगी। केरल में पहले ही कांग्रेस को UDF की सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयर करनी पड़ती है। कुल मिलाकर 5 राज्यों की 129 में से कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 60-70 सीटों पर लड़ पाएगी। दक्षिण भारत में भले प्रादेशिक क्षत्रपों के साथ तालमेल से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, पर भाजपा को भी मुश्किल होगी। उसके लिए बहुत कम संभावना बच जाएगी। भाजपा को उम्मीद है कि दक्षिण भारत में उसको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर वह तब होगा जब भाजपा को मजबूत सहयोगी मिले। अगर तमिलनाडु में अन्ना DMK और दूसरी छोटी पार्टियों से तालमेल और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के साथ तालमेल हो जाए तो BJP को 2-4 सीटों का फायदा हो सकता है। कांग्रेस के साथ प्रादेशिक क्षत्रपों के तालमेल से महागठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी ओर उत्तर भारत में भाजपा से इतनी ऊंचाई पर है जहाँ से और ऊपर जाने की संभावना नहीं है, वहाँ से ढलान ही है जिन पर भाजपा को फिसलना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड आदि राज्यों में भाजपा ने ज्यादातर सीटें जीती हुई। इन राज्यों में भी अगर कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों और प्रादेशिक क्षत्रपों के साथ तालमेल किया तो भाजपा को लेने के देने पड़ेंगे। भाजपा चाहे जो भी एजेंडा सोच रही हो और चुनाव में चाहे जो भी दाव चले, महागठबंधन बना तो सामाजिक समीकरण इतना मजबूत होगा कि भाजपा के लिए मुश्किल होगी। कांग्रेस की सोशल मीडिया की प्रमुख दिव्या स्पंदन और राम्या को उनकी जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहकर विवाद खड़ा किया था। कांग्रेस ने उनकी इस टिप्पणी से अपने को अलग कर लिया था। उसके बाद उनके इस्तीफे की चर्चा हुई, पर बाद में सफाई दी गई कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब उन्होंने फिर प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया तो उनकी एक फोटो आई जिसमें वे प्रतिमा के पैरों के पास खड़े हैं। इसमें पैर बहुत बड़े हैं और मोदी बहुत छोटे दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री को दिव्या ने चिड़िया की पीठ बता दिया। भाजपा ने इसकी आलोचना की, पर उससे ज्यादा आलोचना सोशल मीडिया में पत्रकारों और तटस्थ लोगों ने की, पर दिव्या उनसे उलझ गई। NDTV की निधि राजदान ने इसकी आलोचना की तो दिव्या ने उनको कश्मीर घूम कर आने की सलाह दी। उनका इशारा कश्मीर के एक राजनेता के साथ राजदान के संबंधों को लेकर चलने वाली अफवाहों की ओर था। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इस ट्वीट के लिए दिव्या की आलोचना की तो वे उन पर टूट पड़ी और उनके लिए बुरा भला लिख दिया। इसके बाद राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष जैसे ट्विटर पर सक्रिय अनगिनत लोगों ने दिव्या के ट्वीट पर सवाल उठाए, पर वे सफाई देने के बजाय एक एक करके सबसे उलझती गई। बताया जा रहा है कि इसे लेकर कांग्रेस में बहुत नाराजगी। YouTube पर नया इंडिया TV की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।